के बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद ये होना चाहिए, मुझे और गुण नहीं है मेरे पास, पैसा कमाना जानता हूँ, लेकिन पैसा कमा कर मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, वो सेवा मुझे करनी जरूर। इस युवक ने जैसे ही पता लगा कि ये रॉकफेलर है, वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा, देख युवक, अगर रॉकफेलर बनना है ना, अपनी हिम्मत से और अपनी ताकत से खड़ा हो, कोशिश करना चेक इस्तेमाल ना हो, क्योंकि एक चेक आज खर्च कर लिया फिर दूसरी बार फिर आत्महत्या करने पहुंच जाएगा। ये तुझे बीज दिए मैंने, फ्यूल दिया है, कोशिश तो करके नहीं खर्च किया जाए, फिर भी मैंने तुम्हें दिया, साल भर बाद मिलते हैं। युवक गया और उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया कि मेरे पास $1,00,000 तो हैं, शुरुआत तो कर सकता हूं। प्रार्थना करने के लिए बैठा, मैं तो मरने जा रहा था, तो ही मेरा रास्ता बना। अब अगर उस आदमी को भेजा है भगवान तो रास्ता भी दिखा। और उसके बाद इसने अपना 3-4 तरह के कामों के बारे में जो सोचा हुआ था, दोबारा गया उन काम के लिए ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर भी मिल गए, पैसा लगाने वाले लोग मिल गए, आगे से आगे कई तरह के काम इसने किए, 1 साल में करोड़ों कमाया। वो चेक जो है उसने यूज नहीं किया। साल के बाद उसी तारीख में वहीं गया और वहां जाकर लोगों से पूछता है कि रॉकफेलर से मिलना है, यहां आते हैं वो। लोगों ने सुना अनुसना कर दिया, लेकिन जैसे उस पुल की तरफ गया तो पेड़ के पीछे से रॉकफेलर निकल के आ गया। इसने कहा कि पहचाना? बोले हाँ पहचाना। चेक लाए हो क्या? बोले हाँ चेक वापस लाया। तुम्हारा काम बन गया? बोले हाँ मेरा काम बन गया, मैं थैंक्स करने के लिए आया हूं। और उसने घुटनों के बल बैठकर उस युवक ने कहा कि तुम मिले हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं यहां से जाने के बाद भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि मेरी जिंदगी में रॉकफेलर आया और रॉकफेलर ने मुझे कहा कि रॉकफेलर बनना है और रॉकफेलर ने मुझे रास्ता दिखाया। एक बार मांग लिया, जिंदगी भर मांगता रहेगा, मांगने की आदत मत डाल, अपनी हिम्मत से कर। कि मैंने वो प्रार्थनाएं की और प्रार्थना का बल भी मुझे मिला, मुझे रास्ते मिलते चले गए, आज करोड़ों मेरे पास आ गया, अब थैंक्स करने के लिए आया हूं। इतनी देर में 5-7 लोग आ गए और बड़े जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम इन्हीं रॉकफेलर को ढूंढ रहे थे? बोले हाँ इन्हीं को ढूंढ रहा था। बोले ये पागल आदमी है, ऐसे चेक हर एक आदमी को देता घूमता है। ये अपने आप चेक बांटता रहता हर एक को, और पुल की तरफ कोई आ जाए तो यही पेड़ के पास खड़ा हो कि किसी को उदास देख ले तो चेक देता है। ये पागल आदमी है। उस युवक ने कहा कि ये पागल ने तो न जाने कितनों को जिंदगी दे दी होगी, लेकिन मुझे असली पागल तो वो दिखाई देते हैं जिनके पास परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी न किसी पर तरस आता, न अपनी जिंदगी पर तरस आता, और न कभी परमात्मा के पाए हुए के प्रति कभी धन्यवाद करते। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे, आपकी प्रार्थना चमत्कार करती जरूर है, लेकिन रोज मंगते वाली आदत मत डालना। झुक सिर कभी नहीं झुकते ना मांगने के लिए। जो रोज थैंक्स करने तो आता हो, आंसू प्रकट करने नहीं, उसके आंसुओं में बहुत शक्ति होती है। ऐसा आदमी अगर रोए तो लगता है जैसे पहाड़
कि चट्टान टूटी और झरना बहा हो। जब वो कहता है कि आज तक मैंने आंसू नहीं बहाए, विवश हो गया हूं आज, किसको कहूं। वो जो प्रार्थना होती है आपकी, वो प्रार्थना प्रार्थना होती है, लेकिन उसकी जरूरत ना पड़े कभी। प्रार्थना के तरीके क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो आसन पर बैठना सीखिए, नाम जपना सीखिए। हम लोग जहां पढ़े हैं हरिद्वार में, ये गुरुकुल था, गंगा से निकली हुई एक नहर उसके बराबर से बहती थी। वहां जो स्वामी जिन्होंने स्थापना की थी, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, वो प्रार्थना में बड़ा विश्वास रखते थे और वो बोलते थे कि मेरी जिंदगी में वो क्षण एक बार आया था कि जब मैं विवश था और मुझे ऐसे हाथ उठा के कहना पड़ा कि आज तेरी मदद की जरूरत है। और मैंने उस दिन चमत्कार देखा कि मदद मिली, अचानक मिली, नहीं तो मैंने कभी मांगा नहीं था। क्योंकि जो रोज भगवान की भक्ति करता हो और धन्यवाद करता हो, अपना हृदय भगवान से जोड़ता हो, भगवान तो स्वयं कहते हैं ना, योग क्षेम वाहम्यहम, मैं तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा करता हूं, तुम्हें क्या मिलना चाहिए वो देता हूं और किस चीज की रक्षा होनी चाहिए वो सब मैं करता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि सच्चे ढंग से प्रार्थना करने वाले बनिए। तो एक तो हो गया नाम जपना, दूसरी चीज हो गई सिमरन करना, तीसरी चीज हो गई स्तुति करना, भगवान की तारीफ, अगली चीज है धन्यवाद करना। जिस जिस चीज के लिए परमात्मा ने जो जो भी हमारे ऊपर मेहर की है उसके प्रति धन्यवाद करना सीख जाइए। उसके बाद भगवान के ध्यान में बैठे हैं, उसका तरीका भी बताएंगे आपको, और बाद में प्रार्थना करनी चाहिए। वो जो प्रार्थना आप करेंगे वो प्रार्थना सच में कमाल का फायदा देती है आपको। प्रार्थना करने वाले लोगों ने भगवान से जो चाहा वो पाया है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान से थोड़ा मांगे या ज्यादा मांगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना मांगना चाहते हैं, कितना लेना चाहते हैं। नदी है, पानी बह रहा है, अब आपका बर्तन, आपकी औकात, आप कितना संभाल सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं। हाँ, दुरुपयोग के लिए नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रख लेना। वो पहले ये देख लेते हैं इसकी औकात क्या है, वो ये देखना चाहते हैं कि ये संभाल सकेगा या नहीं। अगर इसमें संभालने की हिम्मत है तो इसको दिया जाना चाहिए। तो फिर आप 10 करोड़ मांगो, 10 अरब मांगो, दिया जाएगा। लायक बनाओ अपने आप को और मांगो, वो तो देने को तैयार बैठा है। अब बड़ा काम करने के बारे में सोचिए आप, कोई बड़ी योजना हाथ में ले लीजिए, आपके पास नहीं हो पैसे, वो बनवा देगा। 8 आने जेब में लेकर के चले हुए एक व्यक्ति और मीलों लंबा विश्वविद्यालय बनाकर खड़ा कर दें, और उस समय जब भारत देश गुलाम था ये सब संभव नहीं था। पंडित मदन मोहन मालवीय, मन में भावना आई, सोचा करता हूं, तो दिया भगवान ने, मदद की। लेकिन उनकी मदद करने का परमात्मा का तरीका भी अद्भुत था और उनकी सोच भी अद्भुत थी।
उनकी सोच कितनी कमाल की थी कि एक महिला जो घास काट के लाती थी और रोज बेच के और जो पैसे मिलते थे उससे आटा नमक लेकर अपने घर में जाती थी। तो उसने एक दिन पंडित मदन मोहन मालवीय को देखा जा रहे हैं सुबह सुबह। पूछा, पंडित जी आप जा कहाँ रहे हैं? बोले, लोगों से कुछ चंदा मांगने जा रहा हूं। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है ना, अंग्रेज लोग हमारे बच्चों को ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उन्हें बड़ा इंसान बनाने के लिए वहां पढ़ाई नहीं हो रही। मैं चाहता हूं इस देश में हमारे बच्चे इतने ऊंचे उठें हमारे देश का भाग्य बदल सकें। और अपनी भाषा में, अपनी परंपरा में, अपने तरीकों से दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारी विद्याएं हमारे बच्चे पढ़ें और आने वाला समय ऐसा हो कि हमारा देश और हमारे देश के बच्चे दुनिया में सबसे ऊपर अपना नाम कर सकें। इस सपने को लेके मैं चला हूं। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। तो शाम को वो महिला अपना घास बेचकर जो पैसे थे, एक या दो आने, अब आने आप समझते हो उस समय के जो दो आने लेकर आए, छह पैसे का एक आना होता था उस समय, 12 पैसे के दो आने। अब आप तो पैसे को भी नहीं आज समझा जा सकता, क्योंकि अब तो रुपए की भी जो है वो वैल्यू नहीं दिखाई देती। वो बेचारी जो बेच के लाई थी उसने कहा, पंडित जी आज हम लोग अपने घर में उपवास करेंगे और आज मैं बहुत खुश हूँ, गरीब के घर से भी दान हो रहा है, मेरे ये दो आने स्वीकार करो। और उसने वो अपना घास बेचे हुए जो पैसे थे और उनको देने के लिए आगे बढ़ाया। ऐसा अब कहाँ उनको करोड़ों रुपए चाहिए और कहाँ कोई दो आने दे रहा हो। तो पंडित जी ने जो अपने गले में गमछा डाला हुआ था उसको ऐसे करके आगे ऐसे लेके माथे से लगाया और उसके बाद ऊपर की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अब जरूर बनेगा ये विश्वविद्यालय, क्योंकि अब एक गरीब की भावना भी लग गई, इसमें जुड़ गई। और उनको लगा कि अब भगवान हर किसी को साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, ये तो उसका काम है। आप कोई बड़ी चीज सोचिए अपनी जिंदगी में और भगवान के साथ अपनी चीज को जोड़ करके कह दीजिए कि मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, तेरे राह में करना चाहता हूं, आपका काम पूरा हो जाएगा। वो कैसे करा देता है? और नहीं तो आप एक बात सोचिए कि मैं कोई एक ऐसा बड़ा मिल लगा करके काम करना चाहता हूं। बस आपके पास एक विजन होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी, जैसे आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं ना, तो वो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखते जरूर हैं। भगवान को भी अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे बनाऊंगा, इस तरह से करूंगा, उसके बाद मांगिए, देगा जरूर, निश्चित रूप से देगा। अब उसके तरीके हैं वो बताऊंगा मैं आपको। एक बात और, आप दूसरों के, अपनों के, परायों के दुख दर्द में थोड़ा साथ खड़े होने की आदत जरूर बनाओ। मतलब दयालु परमात्मा अपने बच्चे में दयालुता देखना चाहता है, आप भी रहम करने वाले बने। कहते हैं ना कि न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है दुनिया में बस वही है सबसे बड़ा। इसलिए जो किसी की मुसीबत में साथ खड़ा हो जाए वही बड़ा है, वही बड़प्पन है, और सबसे बड़ा तो परमात्मा।
जब वो देखता है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा समझदार हो रहा है, मेरा बच्चा दयालु हो रहा है, मेरा बच्चा दाता हो रहा है, और मेरे बच्चे को दूसरों को माफ करना भी आ गया। समस्याओं को जब आप सुलझाते हैं, समस्या सुलझाना आ जाए अगर आपको, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका काम लड़ाई कराना होता है, और कुछ वे होते हैं जो लड़ाई खत्म करते हैं। आप लड़ाई खत्म करा के आते हैं, मेल करा के आते हैं, तो समझदार हो गए ना। तो ये समझदारी जब आपके पास आती है तो यहां से आशीर्वाद मिलने शुरू होते हैं। भगवान यहां से आशीर्वाद देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा समझदार हो रहा है। और कमाल की बात जो आपने सोचनी है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं अफर्मेशन, जो आपको रोज करनी होती है खुद के बारे में, जो आपने बोलना होता है कि मैं ये हूं, तो उसमें एक शब्द बोलना होता है कि प्रभु मैं तुम्हारा पुत्र इस धरती पर शांति और प्रेम का मसीहा बनकर आया हूं। स्वयं में शांति, स्वयं में प्रेम, स्वयं में आनंद लेकर मैं इस धरती पर बिखेरना चाहता हूं। तो ऐसा बोलकर महसूस करें कि मैं भगवान का वो लाडला बच्चा हूं जिस धरती पर प्रेम और शांति का दूत बनकर आया हूं। तो मैं जहां रहूं स्वयं भी शांति में रहूं और दूसरों को भी शांत करूं, खुद भी प्रेम में रहूं, दूसरों को भी प्रेम से युक्त कर दूं, खुद भी आनंद में रहूं और आनंद को बांट दूं। वो लोग अच्छे लगते हैं, मुस्कराते रहें और दूसरों को मुस्कराने के लिए वजह दें। सेठ ने तो भिखारी को मना कर दिया, लेकिन सेठ का ड्राइवर जो पीछे आ रहा था, पैसे तो उसके पास भी नहीं थे, भिखारी ने जैसे उसके आगे हाथ फैलाया, उसने कुछ हरकत की, भिखारी हंसने लगा। सेठ पीछे मुड़ के देखता है, कहता तुमने इनको क्या दे दिया जो हंस रहे हैं, खुश हो गए? बोले मैं और तो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे तो नहीं थे, लेकिन मैंने इनके हाथ पे गुदगुदे जरूर कर दिए। और मुस्कुराकर इनकी तरफ देखकर मैंने कह दिया, मेरे पास मुस्कुराहट ही है भाई, और कुछ भी नहीं है। रुलाने का कारण तो नहीं बना, कुछ नहीं कर सकते तो दुनिया को मुस्कुराहट दीजिए, मुस्कुराने का कारण बनिए। क्योंकि ऐसे गाना गाने से कुछ नहीं होगा कि मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो रुलाने की वजह कौन फिर? हमें तो एक दूसरे को प्रेम और आनंद बांट करके इस धरती को आनंद पूर्ण करना है। जब आप हर दिन अपने आप को कहते हैं कि मैं परमात्मा का वो लाडला बच्चा हूं जो धरती पर आनंद बिखेरने के लिए आया हूं, निश्चित ही वो आनंद बिखरेगा, वातावरण बदलेगा, अपने घर से लेकर बाहर तक हमने कोशिश करनी है। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली